हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त साहिल स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे और अनबॉक्स करेंगे Realme का न्यू टैबलेट Realme Tab X। जी हाँ, ये चाइना में लॉन्च हो चुका है। स्नैपड्रैगन 695 के साथ आता है और ये 5G चिपसेट है। मैंने प्री ऑर्डर किया था तो चाइना में एक बहुत बेनिफिट मिलता है, प्री ऑर्डर में आपको एक गिफ्ट ज़रूर मिलता है। तो मुझे इसका कवर फ्री में मिला जो ऑलमोस्ट 1200 रुपये का था। तो मतलब इंडिया में पता नहीं ये क्यों नहीं ऐसे गिफ्ट देते, पर चाइना में ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह मिल जाती हैं, तो कवर भी काफ़ी क्लासी लग रहा है। मगर हम आज की वीडियो में बात करेंगे इस टैबलेट की। होगा तो शुरू करते हैं आज की अनबॉक्सिंग। बढ़िया लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए। तो ये हमारा बॉक्स Realme Pad X, Dolby Atmos हाई रेस ऑडियो सपोर्ट करता है और काफ़ी क्लासी का बॉक्स लग रहा है। 11 इंच का ये टैबलेट है 2K रेजोल्यूशन के साथ, स्नैपड्रैगन 695 और 8340mAh की बैटरी, 6GB रैम और 128GB स्टोरेज का कॉस्ट है चाइना में 1400 युआन, जो ऑलमोस्ट 16,500 के पास बन जाता है। 3 कलर में ये अवेलेबल है आपको, ब्लू, ग्रे और ग्रीन। इंडिया में मेरे हिसाब से तीनों कलर आने चाहिए, ब्लू कलर मुझे सबसे ज़्यादा बढ़िया लगा था। बाकी बॉक्स में आपको और क्या मिलता है देख लेते हैं। तो इसमें आपको चार्जर मिलेगा, 33W का ये चार्जर है और इसकी बैटरी है 8340mAh की। टाइप सी चार्जिंग केबल मिलेगी आपको, तो ठीक है। लुक्स वाइज देखा जाए तो मुझे काफ़ी कलर अच्छा लगा, काफ़ी ब्लू कलर मुझे सबसे बेस्ट लगा इसका। ग्रीन कलर भी ठीक था, मगर वो सिर्फ 4GB वाले वेरियंट में था इसलिए मैंने ब्लू कलर लिया। यहाँ पर आपको साइड में Dolby Atmos का एक लोगो बना हुआ है, स्टाइलस पेंसिल का सपोर्ट मिलेगा, माइक और वॉल्यूम की, पावर ऑन बटन, स्टीरियो स्पीकर, नीचे भी 2 स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं, तो टोटल 4 स्टीरियो स्पीकर, टाइप सी चार्जिंग बोर्ड। यहाँ पर आपको कीबोर्ड, मैग्नेटिक कीबोर्ड का भी सपोर्ट मिलता है। बॉक्सी स्टाइल में आता है तो ईजिली आप सीधा खड़ा कर सकते हो और पावर ऑन से इसको शुरू ओपन कर लेते हैं। तो Realme पावर्ड बाय एंड्रॉयड, तो मेरे हिसाब से Realme का ये तीसरा टैबलेट इंडिया में लॉन्च होने वाला है। और अगर इसकी डिस्प्ले की बात की जाए तो 11 इंच की ये IPS LCD स्क्रीन 2K रेजोल्यूशन से आता है, इसमें आपको फेस अनलॉक की ऑप्शन मिल जाएगी। और यहाँ पर हमारा सेटअप कंप्लीट हो गया है तो ठीक है। 84.6 स्क्रीन टू बॉडी रेशो है तो आपको ब्रिजेस लगेंगे, मगर टैबलेट में मोस्टली इतने ही मिलते हैं। स्क्रीन मुझे ठीक लगी, IPS LCD स्क्रीन है। कुछ देर से आजकल जो टैबलेट्स एंड्रॉयड में आ रहे हैं वो IPS LCD स्क्रीन के साथ आ रहे हैं, मगर 2K रेजोल्यूशन दे रहे हैं, मतलब 1200x2000 का स्क्रीन रेजोल्यूशन और 450 निट्स ब्राइटनेस है इसकी, जो तो थोड़ी सी मुझे कम लगी। इसमें आपको Realme UI 3.04 पैड्स मिलता है जो मेरे हिसाब से नॉट बैड। साथ में आपको रैम एक्सपेंशन भी मिलेगी 5GB तक, मतलब 6GB रैम है तो आपको 5GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। एंड्रॉयड 12 का सपोर्ट मिलता है, अभी पता नहीं कि कितने अपडेट्स और देगा। साथ में इसको आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट, थोड़ा हाई रिफ्रेश रेट देता है, IPS LCD स्क्रीन दिया तो ज़्यादा बढ़िया होता मगर कंपनी ने नहीं दिया। बेंचमार्क की बात की जाए तो स्नैपड्रैगन 695 जो 6nm बेस्ड चिपसेट है वो इसमें मिलता है, जो मेरे सबसे काफ़ी बढ़िया है। 400,000 का स्कोर आया तो मेरे सबसे इंडिया में इसका प्राइस 18,000 से 20,000 आना चाहिए। बाकी देख लेते हैं। वाइड वन की बात की जाए तो L3 फुल HD का सपोर्ट नहीं मिलेगा। और Geekbench की बात की जो सिंगल कोर 693, मल्टी कोर 2026, नॉट बैड। वहीं मैंने जब CPU थ्रॉटल किया तो आप देख सकते हैं रेड बीच में थ्रॉटल हुआ था, बाकी 78%, तो थोड़ा बहुत थ्रॉटल होता है, मे बी फ्यूचर अपडेट के साथ ऑप्टिमाइज ज़्यादा बेटर हो जाए। पबजी की बात की जाए तो इसमें आपको 60fps का सपोर्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ 40fps का सपोर्ट मिलेगा, तो गेमर्स थोड़े डिसअपॉइंट होंगे। होपफुली फ्यूचर में अपडेट मिल जाए और आपको 60fps मिले तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। बाकी गेम प्ले मैं अलग वीडियो में दिखाऊंगा। और अगर डिस्प्ले पे देख लेते हैं डिस्प्ले की क्वालिटी कैसी है, तो मैंने अपनी ही वीडियो चला ली है, थोड़ी अच्छी लगती है अपनी वीडियो देखने में। तो इसमें आपको देखते हैं 4K के रेजोल्यूशन की ऑप्शन मिलती है या नहीं मिलती। तो इसमें आपको मैक्सिमम फुल HD 1080p की ही ऑप्शन मिलेगी, 4K की ऑप्शन आपको नहीं मिलेगी। 2K रेजोल्यूशन के साथ वैसे आता है ये। और डिस्प्ले देखने में मुझे काफ़ी बढ़िया लगी, इवन IPS LCD स्क्रीन है और देखने में अच्छा लगता है। मतलब बैटरी अच्छी लगी मुझे इसकी, बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा रहा, कलर्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, एक्यूरेट आ रहे हैं। और आपको कैसी लगी आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेनोवो का आता है एक टैबलेट जो एमुलेट पैनल के साथ आता है, मगर उसके बाद ओप्पो, वीवो सब ने टैबलेट लॉन्च किए सबके IPS LCD से, तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होती है, लाना चाहिए, ऑप्शन देनी चाहिए लोगों को, शायद लोग ले लें। और अगर इसके कैमरे की बात की जाए तो 13MP का इसका रियर कैमरा है और 8MP का फ्रंट कैमरा है। तो वीडियो रिकॉर्डिंग में आपको 4K की ऑप्शन नहीं मिलेगी, सिर्फ 1080p और 720p की ऑप्शन मिलती है। फ्रंट में भी 1080p और 720p की ऑप्शन मिलेगी। ये टैबलेट 6x तक जूम कर सकता है पिक्चर्स लेने वक्त, और मैंने कुछ क्लिक्स किए थे आप जैसे देख सकते हैं अमायरा के साथ,
ये मेरा ने सेल्फी ली थी जो नॉट बैड, ठीक आई है एज अ टैबलेट। टैबलेट के कैमरे बहुत अच्छे नहीं माने जाते, तो मेरे हिसाब से उस हिसाब से कलर सेचुरेशन काफ़ी अच्छी आई है इसकी। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बाकी सोच रहा हूँ एक शाओमी के टैबलेट के साथ का कंपैरिजन करूँ, फिर देखते हैं किसका कैमरा ज़्यादा बढ़िया होगा। और लास्ट में एक बार इसका स्टीरियो स्पीकर ट्राई करते हैं कितने बढ़िया हैं। तो इस फ़ोन में आपको चार स्पीकर मिलते हैं, स्टीरियो स्पीकर और डॉल्बी एटमोस और हाई रेस ऑडियो का भी सपोर्ट मिलता है, पर मुझे इतना बढ़िया नहीं लगा स्पीकर की क्वालिटी, थोड़ी कमी लगी, मतलब बहुत ज़्यादा लाउड एंड क्लियर नहीं, शाओमी के इससे ज़्यादा बढ़िया थे। बाकी लास्ट नॉट लीस्ट 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट थोड़ा मुझे कम लगा, मतलब IPS LCD तो 120 हर्ट्ज दे सकते थे। बाकी आपको ये टैबलेट कैसा लगा, और अगर इंडिया में ये 18 से 20 हज़ार में आएगा तो मैं कहूँगा वर्थ है, अगर ये 20 हज़ार से ऊपर जाएगा तो मैं कहूँगा थोड़ा ओवर प्राइज्ड है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कुछ कंपैरिजन या कुछ टेस्ट चाहते हैं इस टैबलेट का तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो बढ़िया लगी तो एक लाइक ज़रूर कर देना, न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी। जय हिंद, वंदे मातरम।